मड कैट हाउस। एक आदमी भाग रहा था, दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। उस आदमी के हाथ में एक बिल्ली थी। वो ऐसे भागते भागते एक जगह पर रुककर उस बिल्ली को नीचे उतारकर उसके गले में एक लॉकेट बांधकर उसे छोड़कर भाग गया। वो बिल्ली भागते भागते तिम्मापुर नाम के एक गांव को पहुंची। तिम्मापुर में नायक नाम का एक व्यक्ति मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाता था। मिट्टी के मूर्तियों को बेचने से आए पैसों से पत्नी और बच्चे का पोषण करता था। नायक को उर्मिला नाम की पत्नी और बिट्टू नाम का एक बेटा था। बिट्टू समझदार बच्चा था। नायक खिलौनों को बनाता तो बिट्टू उनपे रंग डालता था। उसके साथ साथ वो भी मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाता था। नायक गांव के बाहर मौजूद एक खाली जगह को जाकर वहां मौजूद मिट्टी को खोदकर मिट्टी लाकर उनसे खिलौने और मूर्तियां बनाता था। कभी कभार बिट्टू भी पिता के साथ मिट्टी लाने के लिए जाता था। एक बार नायक हरदम के जैसे ही मिट्टी लाने के लिए तैयार हुआ। बिट्टू तब मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताजी, कहा। नायक, नहीं बेटे, वहाँ पर सांप होंगे, खूंखार जानवर भी रहेंगे, ऊपर से यह बारिश का मौसम है, मत आओ, तुम यही रहो, कहा। बिट्टू तब कहाँ पर क्या रहता है केकर, मुझे पता है पिताजी, आप अकेले मिट्टी कैसे लाएंगे, मैं भी आपके साथ आऊंगा, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी, प्लीज पिताजी, कहा। अब नायक मजबूर होकर मान गया। ऐसे नायक और बिट्टू दोनों मिलकर मिट्टी लाने के लिए गांव के बाहर गए। नायक वहां पर मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे बिट्टू दिखाई नहीं दिया। नायक घबराकर यहां वहां देखने लगा। तभी बिट्टू वहां पर अपने हाथ में एक बिल्ली के साथ आया। उस बिल्ली को देखकर नायक, ये तुम्हें कहां पर मिली है रे, इसे तुम क्यों उठाए, कहकर पूछा। बिट्टू तब, पिताजी ये बेचारी बिल्ली कांपते हुए मदद के लिए देख रही थी, ये देखकर मैंने इसे उठाया, लगता है कोई कुत्ता या भेड़िया इस पे हमला करने के लिए कोशिश किए होंगे, ये डर के मारे भाग गई होगी, पिताजी मैं इसे पालूंगा पिताजी, कहा। नायक अब कुछ नहीं कह सका और बिल्ली को पालने के लिए मान गया। बिट्टू ने उस बिल्ली को घर लाया। बिट्टू की माँ उस बिल्ली को देखकर बिट्टू से, हमारा घर छोटा है, अब इसे कहाँ पर रखोगे, बोलो इसे जहाँ से लाए वही छोड़ाओ बेटा, बोली। बिट्टू तब, नहीं माँ, मुझे ये बहुत पसंद आई है, मैं ही इसके लिए एक घर बनाऊंगा, ये उस घर में रहेगी, कहा। उसकी माँ मान गई। बिट्टू उसके पिता से मिलकर लाए मिट्टी से उस बिल्ली के लिए एक मड हाउस का निर्माण करता है। उस बिल्ली को उस मड हाउस में रखता है। बिल्ली खुशी खुशी उस मड हाउस के अंदर जाती है। अगले दिन से बिट्टू के दोस्त आकर उस बिल्ली से उस मड हाउस के पास खेलने लगते हैं। बिट्टू उस बिल्ली के साथ आए दिन खेलने लगता है। एक बार रात के समय बिट्टू एक बर्तन में बिल्ली के लिए दूध डालकर देता है। सुबह उठकर उस बिल्ली के पास जाकर देखा तो वो बर्तन एक सोने के बर्तन में बदल जाता है। बिट्टू उसे देखकर दंग हो जाता है। वो तुरंत अपने पिता के पास जाकर जो बीता वो सब बताता है। नायक आकर उस सोने के बर्तन को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वो बर्तन सोने के बर्तन में कैसे बदला है कहकर नायक को कुछ समझ नहीं आता है। तभी नायक की पत्नी वहां पर आती है। नायक की पत्नी नायक से, ओ जी ये बिल्ली जब आई थी तब मैंने गौर नहीं किया था, मगर इसके गले में चमकता हुआ पेपर वेट के जैसे कुछ दिख रहा है ना, जहाँ तक मुझे पता है ये शायद एक मनी है, बोली। ये सुनकर नायक और बिट्टू दोनों, क्या मनी, पूछे। उर्मिला तब, हाँ जी मैंने बचपन में सुना है, कहते थे कि एक मनी होता था, पूर्णिमा के दिन उसके सामने कुछ रखे तो वो चीज सोने में बदल जाएगी कहकर बोलते थे, शायद ये वही है, बोली। ये सुनकर नायक और बिट्टू दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे नायक और बिट्टू उस मनी के द्वारा मिले सोने को बेचकर पैसे लाते हैं। वो लोग एक अच्छा घर बनाते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। एक बार नायक के पास वो आदमी आता है। उसे नायक के घर में उसकी बिल्ली है कहकर, उस बिल्ली के गले में मनी को उसी ने रखा है कहकर वो सब बताता है। नायक तब, श्रीमान अगर आपको ये मनी चाहिए तो ले जाइए, मगर इस बिल्ली को यहीं रहने दीजिए, मेरे बेटे को ये बिल्ली बहुत पसंद है, इसे इसकी बहुत आदत पड़ गई है,
कहा। वो आदमी तब, आपके बेटे को ये बिल्ली आदत पड़ गई है ना, इसे आपके पास ही रख लीजिए। उस मनी को मुझे सुब्रमण्य स्वामी के मंदिर में रखना है। चोर चुराने के लिए आए तो मैंने ही इसे लेकर भागकर इस बिल्ली के गले में रखा था। अब इसका पता जानकर आया हूँ। उस भगवान की कृपा आप पे हरदम रहे, कहकर वहाँ से चला जाता है।